हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल नंबर 17 ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रदर वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होता दरअसल ये है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको ये समझ नहीं आती कि इसका मकसद क्या है इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन एक दफ़ा अगर आप ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है ये आपको समझ आ जा जाए तो ट्रस्ट मी यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एज वेल ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है ना ये बेसिकली एक प्रोसेस है अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये बार डिस्कस की थी स्टैटिस्टिक्स के शुरू में जब हमने ये कोर्स शुरू किया था कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं देन वी फाइनली वी रीच टवर्ड्स दी जो हमारा एंड गोल है इसी तरह जो हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हम बेस्ड ऑन सैम्पल हम कुछ एजम्प्शन करते हैं और उसकी बेस पे फिर कुछ प्रोडिक्शंस करते हैं तो ये जो काम है बेस्ड ऑन एजम्पन्स और उससे जो प्रडिक्शन या एस्टिमेट ड्रा करना वो बेसिकली दैट इज़ द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल इसके अंदर बेशमार स्टैटिस्टिकल मॉडल है हमारे पास बेशुमार डिस्ट्रीब्यूशन है मैथेमेटिक्स की प्योरली स्टैटिस्टिक्स की या कुछ और सोशल साइंसिस से रिलेटेड या जनरल जो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉडल और उसकी बेस पे फिर अपनी जो वो चीज़ें जो है वो कंक्लूड करते हैं या ड्रॉ करते हैं इसमें हमारे पास बेसिकली तीन तरह के मॉडल हैं एक होते हैं पैरामेट्रिक मॉडल जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स और वो जिसके अंदर जो वेरिएबल्स जो हमारे नूमेरिक वेरिएबल यूज़ होते हैं दूसरी होती है नॉन पैरामीट्रिक जिसके अंदर हमारे कोई क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट्स वाला डाटा आ जाता है और तीसरा फिर आ जाता है सेमी पैरामीट्रिक जो कि बेसिकली ये वही चीज़ है जो हमने कहा था कि एक चीज़ जो है अगर उसका सिर्फ आपके पास क्वालिटेटिव uh, या एट्रीब्यूटिक वैल्यू है उसकी बट एट द सेम टाइम उसके मतलब जो डाटा हमारे पास नंबर्स में या इन टर्म ऑफ नमेरिक वेरिएबल्स है तो वो अगर दोनों हमारे पास हों तो देन वी कैन यू नो यूज़ इट इन अ डिफरेंट वे तो बेसिकली ये जो तीसरी टाइप है वो उसको रिप्रेजेंट करती है जैसे मैंने बात की कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स विच वी कैन यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन और different type of data, या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन या सैंपल जिसपे भी हमने जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके अंदर डिफरेंट स्टैटिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ होती है जो बेसिकली जो स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये आपका एक मॉडल है जिस मॉडल के मुताबिक जो है ना आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं बेसिकली इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकुनटली रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स और प्रॉबीबिलिटी थ्यूरी इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद फिर आपकी टी स्केयर है का स्केयर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी एक्सपनेंशल डिस्ट्रीब्यूशन है और बेशुमार चीज़ें जो कि आप बेसिकली इनको आप यूज़ करते हैं अगेन द मेन जो क्वेश्चन इसमें आएगा हर बार कि आपका डाटा क्या है आपका मकसद क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है और वो आपने डाटा किस तरह से इकट्ठा किया वो ऑटोमेटिक सोर्स से आया वो किसी सर्वे से आया सेंसस से आया सो बेस्ड ऑन दैट आप ये चीज़ें जो अपनी प्लान करते हैं इसी तरह जो दूसरी टाइप आ गई दैट इज़ नॉन पैरामीट्रिक अब नॉन पैरामीट्रिक में बेसिकली हमने जैसे बात की थी कि ये हमारे पास जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ जाती हैं एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं ये इनको हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक वैल्यूज़ या वेरिएबल्स या मॉडल ये कुछ वो मॉडल हैं जो कि पैरामीट्रिक के अलावा जो नॉन पैरामीट्रिक में यूज़ होते हैं इसमें नंबर वन काई स्केयर नंबर टू इस साइन टेस्ट के नेगेटिव साइन है पॉजिटिव साइन है या किसी चीज़ की ज़ीरो वैल्यू इस तरह के ये ये जो आपने उसमें भी देखा ना ये जब आप हम रेंजेस देखें तो ये नेगेटिव साइड पे जा रही है ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है ये एवरेज है या जीरो है तो वहाँ पर ये इसी तरह फ्राइडमैन टेस्ट है ये साइकोलॉजी का टेस्ट है ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हैं आपके उनके लिए यूज़ होता है फिर लोकॉक्सन साइन टेस्ट है ये रैंक टेस्ट है बेसिकली जिसमें आप डिफरेंट रैंकिंग करते हैं डेटा की जैसे हमने कार्डिनल डेटा की बात की थी कि डाटा रैंक होता है ऑलरेडी तो आप जब रैंक डाटा है आपके पास तो उसके लिए आप ये बिल्कॉसन जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉडल है ये, है, ये यूज़ करते हैं फिर मोड्स मीडियन टेस्ट है जैसे हमने मीडियन की बात की थी कि ये एक आपका ये जो ज़्यादा अक्रेंसिस होती हैं किसी एक वैल्यू की किसी एक सैम्पल में उसको हम मीडियन कहते हैं तो उसके लिए दे आर सटर क्योंकि ये देखिए जो डिफरेंट ये चीज़ें बनी हैं दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हर एक का एक अपना मकसद है कि हमें मीन कब यूज़ करना है मैंने मीडियन कब यूज़ करना है मैंने मोड कब यूज़ करना है तो अकॉर्डिंगली फिर ये जो हमारे मॉडल्स हैं उनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं अभी सेमी पैरामेट्रिक की हमने बात ऑलरेडी की कि सेमी पैरामेट्रिक में और इस क्या क्या किस तरह का डाटा होता है जो हमारा सेमी पैरामेट्रिक है और इसके अंदर अगेन वही डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अलावा अब इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा लीनियर रिग्रेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन है आपकी और कई टेक्निक्स हैं जो कि गोजियन मेथड है कॉक्सियन मेथड है ये सारे मेथड हैं जो कि आपके इसमें यूज़ होते हैं अगेन देखें ये एज वी नो दैट के स्टेटिस्टिक्स जो है ना ये एक सोशल साइंस है दिस इज़ नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें आप इसको जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी एक्सपेक्टेशन है या जो ऑब्जेक्टिव है आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं देर आर रूल्स बेसिक रूल्स हैं लेकिन कोई साइंटिफिक रूल्स नहीं है कि आपने इसके लिए ये नहीं यूज़ किया दिट इज़ दिस इज़ अपॉन योर इमेजिनेशन क्योंकि देट इज़ हॉल थिंग्स इवॉल्व इसी तरह नई नई चीज़ें आती हैं और ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है दिस इज़ हंड्रेड परसेंट यू नो अपन फॉर दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड या बिहेवियर जहाँ पर आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल में डिफरेंट वेज से यूज़ करना चाहें स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग या जो बेसिकली इन्फ्लेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्लेंस की जब हम बात करते हैं तो ये दिस इज़ बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पन्स ये जो हमारी एजम्पन्स हैं इसकी वजह से कुछ हमारी लिमिटेशंस हो सकती हैं जो हमारा डेटा था या उसके ऊपर जो हमने एस्टिमेशन की कोई जनरलाइजेशन की अबाउट द पॉपुलेशन या कोई प्लानिंग की कोई फोरकास्टिंग की तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं एक ही टेस्ट परफॉर्म करता हूँ एक पापुलेशन के डिफरेंट सैंपल्स पे एक पापुलेशन है फ़र्ज़ करें एक यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं और आप जब एक क्वेश्चनर एक सर्वे करते हैं एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो मे बी यू गेट डिफरेंट रिज़ल्ट उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आप सपोज मैं आपको एग्ज़ैम्पल देता हूँ एक ही वक्त में एक इंसान का ब्लड प्रेशर राइट आर्म या लेफ़्ट आर्म से करें तो देर माइट बी लिटल बिट ऑफ वेरिएशन दैट वेरिएशन मे बी सिग्निफिकेंट दैट मे बी इनसिग्निफिकेंट इसी तरह आप ब्लड टेस्ट की एग्जाम्पल ले लें सो हम देखें नॉर्मली होता है डॉक्टर कहता है अच्छा जी ये आप ब्लड टेस्ट अब करें कल करें शाम को करें या जो लोग डायबिटीज़ से फेमिलियर हैं वो जानते हैं वो कहते हैं पेशेंट्स को कि आपने जो फास्टिंग शुगर टेस्ट करनी है आपने खाने के दो घंटे बा, बाद करनी है रात को करनी है सुबह को करनी है रेंडम करनी है इसका मकसद क्या है एक ही इंसान है एक ही उसका ब्लड है एक ही ब्लड ग्रुप है लेकिन ड्यू टू सर्टन अदर फर्ज करें आपने खाया क्या आपने कितनी एक्सरसाइज की आप कब सो के उठे थे आपकी हिस्ट्री क्या है आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है तो ये इन सारी चीज़ों पे आपका ये जो भी आप मॉडल अप्लाई करते हैं डिपेंड करते हैं तो अब तो क्योंकि डेटा यू आर नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर और आपकी अजम्पशन में जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं वेरियंस की बात करते हैं तो दीज आर पार्ट ऑफ एजम्पन्स जब हम अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो अगेन दैट इज़ पार्ट ऑफ अवर कि जब मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की मैंने एक मॉडल बनाया मैंने कहा जी मैं ये जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा हूँ अपने हाइपोथेसिस में और इससे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मेरा जो एवरेज डाटा इट विल बी 95 फाइव परसेंट रिलाईबल या 90 परसेंट रिलाईबल और 10 परसेंट उसके अंदर चांस है कि ये कम या ज़्यादा हो सकता है तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर दिमिटेशन ऑफ ओवर एस्टिमेशन या इनफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग तो जैसे मैंने बताया कि स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग इज डिज़ाइन या ये जो एक्सरसाइज है एक ना ये एक तरीक़ार है आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिटिक्स को एक्सरसाइज करने का कि आप एक मॉडल एग्ज्यूम करते हैं आप डाटा कलेक्ट करते हैं उस मॉडल्स में से फिर आप उसको गुजारते हैं डाटा को और उसकी बेस पे कोई रिजल्ट आता है तो जब वो रिज़ल्ट आता है तो आपको पता होता है उस वक्त भी इवन जब आप शुरू करते हैं बेस्ड ऑन योर एजम्पशन कि मेरा ये जो भी रिज़ल्ट मैं इससे वो कर रहा हूँ फोरकास्ट या एस्टिमेट कर रहा हूँ उसके अंदर क्या लिमिटेशन हो सकती हैं तो बेसिकली स्टूडेंट दिस इज़ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग और अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि कोई एक प्रैक्ट जो मॉड्यूल है आपका उसको आप स्टैटिस्टिकल मॉडल को किस तरह से आप उस पर अप्लाई करेंगे और किस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे रियल वर्ल्ड में थैंक यू वेरी मच